नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। सरकारी नौकरी लगभग हर आम भारतीय का सपना, कारण भविष्य की सुरक्षा। लॉकडाउन लगे, कुछ भी हो, तनख्वाह समय पे मिलेगी। यदि कोई दुर्घटना होती है तो परिवार वालों को अनुकंपा मिलती। इसके अलावा ऊपरी कमाई भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, कोई खुल के नहीं बोलता पर है। मध्य प्रदेश में भर्ती घोटाले आपने सुने होंगे। व्यापम का नाम तो लगभग सभी जानते हैं, पर व्यापम के थ्रू फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों को कहीं ना कहीं परीक्षा देनी पड़ी या एक डमी कैंडिडेट बैठाना पड़ा। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में भर्ती घोटाला हो रहा है। मामला है नगरी प्रशासन विभाग का, जिसमें न परीक्षा देना है आपको, न डमी कैंडिडेट बैठाना है, न ब्लूटूथ मोबाइल से कोई पेपर सॉल्व करना है। सिर्फ एक पत्र, एक लिस्ट में जुगाड़ और लग गई पक्की नौकरी। तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों की ऐसी पक्की नौकरी लगी है। इस पूरे घोटाले की, सरकारी नौकरी पाने का भर्ती घोटाला, मोडस ऑपरेंडी क्या है, कहाँ का मामला है, आज के छुपा खेल में खुलासा करूंगा। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने बताया था घोटाला, कोई परीक्षा नहीं देनी, कोई डमी कैंडिडेट नहीं बैठाना, ब्लूटूथ डिवाइस या कुछ छुपा उपा के नहीं ले जाना। सरकारी नौकरी लग गई। मैं बता देता हूँ, नगरी प्रशासन संचालनालय ने 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें, मतलब राज्य सरकार ने किया, जिसमें छोटी छोटी ग्राम पंचायतों को मिला के 4 नगर परिषद बनाई गई। बकहो, डूमर कछार, डोला और बनगवा। जी हाँ, शहडोल जिले की बात बता रहा हूँ। खबरें शायद आपने पढ़ी हो, देखी हो, पर मैं आज बताऊँगा मोडस ऑपरेंडी। एक पंचायत में औसतन 3 से 4 कर्मचारी होते हैं, परमानेंट की बात कर रहा हूँ, जो सचिव, उप सचिव, बाकी चपरासी एक, बहुत अधिक है कुछ जगह 2, बड़ी पंचायत है तो 5, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि होंगे, एकाध अपवाद हो सकते हैं। तकरीबन 20 पंचायतों को मिला के, शायद 25 पंचायतों को मिला के 4 नगर परिषद बनाई गई। 60-70 कर्मचारी होने चाहिए, 80 होने चाहिए, जो जेन्युइनली काम कर रहे थे, लेकिन जब सूची बनी तो लगभग 270 लोगों का संविलियन हो गया। संविलियन कैसे हुआ बताता हूँ। कुछ कर्मचारियों, अधिकारियों की मिलीभगत, कुछ नेताओं की, के चलते जो सूची बनी, जिला चयन समिति के पास जो सूची आई पंचायत विभाग द्वारा या सरपंच उप सचिवों द्वारा, उस सूची में 70-70 नाम थे एक परिषद के लिए। 70, किसी में 80, किसी में 60, कुल 270 होते हैं, 4 उसमें। जिला चयन समिति ने ये जो नाम आए इनका वेरिफिकेशन शायद नहीं किया, यदि किया होता तो पता चल जाता कि फर्जी है। नगरी प्रशासन संचालनालय में हमने जब बात की तो ऑफ रिकॉर्ड ये ज़रूर बताया कि ये घोटाला हुआ है। इसको रद्द करने के लिए नगरी प्रशासन संचालनालय ने शासन को पहले ही पत्र लिख दिया है। शासन ने उस पत्र के आधार पर एक कमेटी बनाई है, जो हाउसिंग बोर्ड के MD भरत यादव के अध्यक्षता में है, और उनको कहा है इस पर सुनवाई करके, यानी जिन लोगों का संविलियन हुआ है उनका पक्ष जाने कि सही है गलत है, और हमें रिपोर्ट दें। वो सुनवाई चल रही है, 3 या 4 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। चुनाव के चलते शायद अभी रिपोर्ट नहीं आई हो, बाद में आ जाएगी, पर जब तक रिपोर्ट नहीं आती ये 250 से ज़्यादा लोग जो हैं संविलियन होके नगर निगम में नौकरी कर रहे हैं और तनख्वाह भी ले रहे हैं। होता ऐसा है मॉडस ऑपरेंडी में कि जब नोटिफिकेशन 2018 में आ गया था, उसके बाद रखना था, तो जिनको जिनको सेट करना था सब ने बैक डेट में एक सिफारशी पत्र लगाया और दैनिक वेतन भोगी के तौर पे, चाहे वह इंजीनियर पद पे हो, भृत पे हो, स्टेनो पे हो या किसी भी पद पे हो, दिखा दिया गया और उस पंचायत द्वारा वह सूची दे दी गई। उस सूची को वेरीफाई करने का काम जिला चयन समिति का था। जिला चयन समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है, लेकिन कलेक्टर ने इसको डेलीगेट कर दिया था, जिसमें ADM इसको लीड कर रहे थे, उनके नीचे SDM, तहसीलदार और नगर निगम, नज़दीकी नगर नगर पालिका के CMO या उनके इंजीनियर उस समिति के सदस्य थे। बाकायदा सील ठप्पे के साथ सूची को वेरीफाई किया। कैसे वेरीफाई किया कोई नहीं जानता। घोटाला बड़ा है, पर यह ज़रूर है इस मॉडस ऑपरेंडी में कि अगली बार कोई पंचायत का संविलियन हो रहा हो तो आप भी जुगाड़ लगा लीजिए। परीक्षा नहीं देनी, कुछ नहीं करना, एक सिफारिशी पत्र या शायद कुछ लेन देन और पंचायत से आपका नाम आ जाएगा कि आप हमारे यहाँ 1000 रुपये मानदेय में दैनिक वेतन भोगी हो गए। जी हाँ,
इस पूरे प्रकरण की जांच नगरी प्रशासन संचालनालय ने करवाई है। सारे रिकॉर्ड शायद तक जो मुझे मालूम है संचालनालय में मौजूद है। अब देखना यह होगा कि जो जांच हो रही है या नगरी संचालनालय की होगी, जो सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई के बाद क्या निर्णय शासन लेता है। लेकिन तब तक ये 250 से ज़्यादा कर्मचारियों की मौज है ना, भर्ती घोटाला, अजीब बात। लोग सालों साल मेहनत करते हैं और खैर, एक बात मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि संचालनालय के लगभग समस्त जिम्मेदार अधिकारियों के पास, लगभग समस्त जिम्मेदार अधिकारियों के पास एक सूची है हर नगर परिषद में कौन कौन व्यक्ति की पदस्थापना हुई है और वह किस नेता का या अधिकारी का क्या लगता है और किसके सिफारिश में वह हुआ है, जिसमें भोपाल में सीएम हाउस के एक अधिकारी तक का नाम लिखा हुआ है कि उनके साले के द्वारा ऐसा ऐसा किया है। इस तरह करके भाजपा के मंडल अध्यक्ष तक के नाम है, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधायक, मंत्री, कुछ अधिकारियों के बेटों के भी नाम है कि ये इस अधिकारी का बेटा है। इस तरह के घोटाले मध्य प्रदेश में कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखना यह होगा कि शासन इस पर क्या निर्णय लेता है और आम आदमी के टैक्स से इनको दिए जाने वाले वेतन भुगतान जो अब तक दिया गया, यदि जांच में ये आरोपी पाए जाते हैं तो इन पर क्या कार्रवाई करता है और क्या उनसे रिकवरी करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल हमने प्रयास किया आपको ये घोटाला बताने का, पर ध्यान रखें कि ख़त्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में उस सूची के बारे में बताऊंगा कि किन किन के नाम है, हालांकि वो अनऑफिशियल है, किन किन के नाम है जिनकी जाँच होनी आवश्यक है। कांग्रेस भी इसमें चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि उसके ब्लॉक अध्यक्ष तक की सिफारिश में नाम है। कुछ एक नाम तो शायद किसी पत्रकार के रिश्तेदारों का भी है। अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश।